जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे, एक ऐसा शो जिसका फलसफा यह है जब सत्ता में बैठा व्यक्ति आपके सवालों से बचने लगे तो आवाज को और बुलंद कीजिए। और मेरी आपसे अपील है कि आपको एक और मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में जो हिंसा हुई उस हिंसा के ऊपर अपने तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, और क्या आप जानते हैं कि उसके बाद जो प्रेस रिलीज हुआ है उस प्रेस रिलीज में कहीं पर भी मरहूम शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के नाम का जिक्र तक नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, वो पुलिस ऑफिसर जिसने बुलंदशहर के सियाना पुलिस स्टेशन में कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए अपनी जान गंवा दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, उसका जिक्र तक नहीं किया गया इस प्रेस रिलीज में। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे पास ये प्रेस रिलीज है जो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने यहां सरकारी आवास पर बुलंदशहर की घटना के संबंध में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस घटना की समीक्षा कर निर्देश दिया कि इसकी गंभीरता से जांच कर गोकशी से संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। यानी कि गोकशी को लेकर तो तल्ख तेवर अपनाए जा रहे हैं, गाय की हत्या को लेकर तो इस प्रेस रिलीज में तल्ख तेवर अपनाए जा रहे हैं, मगर जिन ऑफिसर की जान चली गई उसका जिक्र तक नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि जो दूसरा व्यक्ति मारा गया है, मुख्यमंत्री ने मृतक सुमित के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च 2017 से अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के क्रम में सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर ऐसे अवैध कार्य किसी भी दशा में ना हो, यह उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी। आप मुझे बताइए दोस्तों, सुबोध कुमार सिंह वो शख्स है जो कि दादरी घटना के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, वो दादरी जिसमें अखलाक की हत्या हुई थी, और उस वक्त इस शख्स ने वहां पर अमनो चैन बहाल रखने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की थी। यही नहीं, सुबोध कुमार सिंह वो है जिसने अखिलेश यादव के तमाम दबाव के आगे अपने घुटने टेकने से मना कर दिए थे। ये वो पुलिस ऑफिसर है, ये वो पुलिस ऑफिसर थे जिसने जब भी अपने सामने दंगी जैसी स्थिति देखी, अराजकता की स्थिति देखी, तो वो पीछे नहीं हटा, उसने हमेशा उसमें छलांग लगा दी ताकि वो हालात पर काबू पा सके। और हमने देखा किस तरह से उसकी पत्नी रो रही थी। देखो, मैं उनको छूंगे बहुत सही हो जाएंगे, बेशक मुझे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, मेरे विश्वास मानो। एक बार छू लेने दो, बस एक बार छू लेने दो ना मुझे, तो अपने आप सही हो जाते हैं। उनके सिर पर हाथ रखती हूँ, अपने आप सही हो जाते हैं। वो रुदाली मैं नहीं भूला हूँ, आप भूल गए हो तो मैं नहीं जानता। मैं याद है मुझे कि किस तरह से उसके बेटे ने हम सबको सीख दी थी कि इस हिंदू मुस्लिम नफरत के खेल को हम बंद करें। मैं तो अपने पिता की जान, अपने पिता को गंवा ही चुका हूं, और न जाने कितने पिता अपनी जान गंवाएंगे। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब एक हैं। यहाँ मुझे बस ये सवाल पूछना है कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी। एक हेडसअप दे दीजिए यार, कम से कम तो दुख होगा। और उस पुलिस ऑफिसर के लिए आपने जिक्र तक नहीं किया इस प्रेस रिलीज में उसका जिक्र तक नहीं है। आप बताइए, पुलिस जो कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आपका सबसे मजबूत जरिया है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये इज्जत देते हैं अपने पुलिस ऑफिसर्स की? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार से यह सवाल पूछा गया था कि अनंत कुमार जी हमें यह बताइए कि कौन सा दल इस घटना के पीछे है, उस वक्त तमाम आरोपियों के सामने नाम आ चुके थे,
इसमें योगेश राज का नाम सामने आ चुका था जो कि बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी और लोगों के नाम आ चुके थे जो कि बीजेपी के वॉलंटियर्स थे, मगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने नाम तक नहीं लिया बजरंग दल का। आज मैं इस सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछना चाहता हूं कि यह हालत है मुख्यमंत्री की और यह हालत है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की कि वो आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकते हैं सामने। आप बताइए, क्या यह दुखद बात नहीं है? जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है इतनी बड़ी घटना का, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मारा गया है, एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, और ऐसा नहीं कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसके सिर पे गोली मार दी गई है। क्या आप वो तस्वीर भूल पाए हैं किस तरह से उस टाटा सुमो में के दाई गेट से उस आदमी की लाश उल्टी पड़ी हुई थी? वो व्यक्ति जो कि एक नायाब मिसाल है पुलिस के लिए, वो व्यक्ति जिसके पूरी जिंदगी में इतना सा भी दाग नहीं था, आज उसका अपना मुख्यमंत्री उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है, आज उसका अपना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है, आज बुलंदशहर का सांसद भोला सिंह जो है वो हमला करने वाले जो अराजक तत्व हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, ये हालत बन गई है उत्तर प्रदेश की। इतनी बदतर हालत तो कभी नहीं हुई। कम से कम प्रशासन से ये तो उम्मीद की जाती है कि वो अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ खड़े हों, तो कम से कम इस मौके पर ये उम्मीद तो की जाती है ना कि एक मृत पुलिस ऑफिसर के साथ, एक शहीद पुलिस ऑफिसर के साथ उसका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हो, उसका मुख्यमंत्री खड़ा हो, मगर उसके साथ कोई भी नहीं है इस वक्त। उसकी पत्नी लगातार रो रही है, उसका बेटा, उसकी आंख में मैंने आंसू नहीं देखे, वो लगातार हमें एक मिसाल पेश कर रहा है, मगर कोई ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा है। वाकई इतना बुरा तो 80 और 90 की दशक की फिल्मों में नहीं होता था, इतना बुरा तो उस वक्त के नायक के साथ नहीं होता था जो कि सुबोध कुमार सिंह के साथ हो रहा है। आज यह सवाल कहीं ना कहीं हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों, क्या वजह है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, क्या वजह है कि इस शख्स की प्राथमिकता जो है वो गोकशी है, वो स्लॉटर हाउसेस हैं, मगर उसका अपना पुलिस ऑफिसर, एक जो इंसानी जान है वो बिल्कुल नहीं है। अब चलिए मैं उस जुबान में बात करना चाहता हूं जो आप समझेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप तो हिंदू मुस्लिम की भाषा समझते हैं, मुझे एक बात बताइए, सुबोध कुमार सिंह तो हिंदू था ना, तो कम से कम उसके पक्ष में तो खड़ा होना चाहिए आपको। ये ना फुरकान था ना इकराम था, ये तो एक हिंदू पुलिस ऑफिसर था, एक ठाकुर पुलिस ऑफिसर, योगी जी, एक ठाकुर हिंदू पुलिस ऑफिसर, मगर आप आज उसके साथ भी नहीं खड़े हैं। उसका परिवार जो है लगातार रो रहा है, मगर आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। वाकई अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है जो हुआ है यहां पर, और मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार इस मुद्दे पर थोड़ी और संवेदनशील होगी, थोड़ी और सेंसिटिव होगी, क्योंकि अगर हम कानून के रक्षकों के साथ नहीं खड़े होंगे तो यकीन मानिए वो भी अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभाएंगे। उनकी गलत हरकतों पे समीक्षा होनी चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए, मगर ऐसे मौके पर जब उनके परिवार को जरूरत है आपके हीलिंग टच की, आप नदारद हैं, आप उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि यह घटना हुई नहीं। वाकई बहुत शर्मनाक है। नमस्कार।